गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग का आज का नेक्स्ट लाइव वीडियो है रिगार्डिंग द ओहम पिकअप एंड इक्सी, मतलब IVF के प्रोसीजर में हम लोग आपके अंडे कैसे निकालते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो पब्लिश किया है। लेकिन आज का वीडियो उसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आपके अंडे कैसे निकालते हैं, प्लस आपके एम्ब्रियो कैसे बनाते हैं लैब में, एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियो कैसे बनाते हैं। तो आज मेरी ओहम पिकअप की पेशेंट है, जिसका 8:30 बजे अभी मैंने पिकअप प्लान किया है। मुझे ऑलमोस्ट 17-18 फॉलिकल दिख रहे हैं सोनोग्राफी में, तो अभी मैं उसके अंडे एस्पिरेट करने वाली हूँ, जिसको ओहम पिकअप बोलते हैं। तो अभी मैं वॉशिंग स्टार्ट कर रही हूँ, हैंड वॉशिंग। इसमें हम लोग बिटाडीन करके ऐसा लिक्विड आता है एंटीसेप्टिक, वो यूज़ नहीं करते हैं, बैक्टोलिन करके सॉल्यूशन आता है, क्योंकि इसमें अपने को बैक्टरसाइडल एक्शन नहीं होना है, नहीं तो उससे उस साइड डैमेज हो जाते हैं। अच्छे से हैंड वॉश करके अभी मैं वॉश हो रही हूँ। एनेस्थेटिस्ट आए हैं, वो पेशेंट को अभी एनेस्थेशिया दे रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपने पहले के ओहम पिकअप के वीडियो में देखा है, इसको हम लोग पिकअप की निडल बोलते हैं। बहुत ही छोटा साइज है, देखो। इससे मैं वजाइना के थ्रू प्रिक करूँगी, सोनोग्राफी में मुझे दिखेगा, और वो मैं एग एस्पिरेट करूँगी। तो अभी हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को जनरल एनेस्थेशिया दिया है, मतलब सलाइन में से इंजेक्शन दिया है। पेशेंट को नींद आई है अभी। तो अभी आपको स्क्रीन की तरफ देखना है, जिस पेशेंट लेफ्ट ओवरी, ये राइट ओवरी है। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो ब्लैक गोल गोल आपको दिख रहा है, दीज आर फॉलिकल्स। देखो, मैंने निडल से प्रिक किया और मैं एस्पिरेट कर रही हूँ। ये निडल एस्पिरेशन पंप को अटैच रहते हैं, ऑटोमेटिक वो जो एग में फॉलिकल में जो फ्लूइड दिख रहा है वो अपने आप एस्पिरेट होता है। देखो, राइट में एक 5-6 फॉलिकल दिख रहे हैं अपने को, ऑलमोस्ट सभी डन है। इसमें आपके बॉडी को कोई कट नहीं आता है, जस्ट एक छोटा सा प्रिक होता है। अभी लेफ्ट ओवर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम ही रहती है, जितना आपका एज बढ़ता है उतना एक का नंबर क्वालिटी ख़राब होने लगती है। तो एक काउंट उसका कम ही एक्सपेक्टेड है मुझे। लास्ट हार्डली एक दोन फॉलिकल बचे हैं उसके अभी। तो ये पिकअप का निडल है, ये जो फ्लूइड रहता है फॉलिकल में, ये ऐसे ट्यूब में कलेक्ट होता है। इसका टेम्परेचर मेंटेन होना है रूम टेम्परेचर की जैसे। अभी ये जो ट्यूब्स रहते हैं, ये ट्यूब हम लोग एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करते हैं, और इसके आगे एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम शुरू हो जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके एग मिलने के बाद क्या क्या करते हैं, वो एग को कैसे सेपरेट करते हैं, स्पर्म को कैसे सेपरेट करते हैं, और कैसे इक्सी करते हैं, आप अभी नेक्स्ट स्टेप में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि हम लोगों ने ओहम पिकअप का ऑपरेशन कैसे किया, मतलब आपके अंडे हम लोगों ने कैसे निकाले। तो डायरेक्टली अंडे तो हम लोग नहीं निकालते, वो जो फॉलिकल का फ्लूइड रहता है वो एस्पिरेट करते हैं और ट्यूब में लेते हैं, और वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करते हैं, और फिर आगे इनका काम शुरू हो जाता है। ये हमारी IVF की लैब है, ये हमारे सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट है मिस्टर श्रीकांत पाटिल। तो यह भी आपको समझाएंगे कि वो आगे कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, कैसे ओसाइट सेपरेट करते हैं, कैसे स्पर्म सेपरेट करते हैं, कैसे कैसे अच्छे वाले स्पर्म सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा इक्सी का माइक्रोस्कोप है, इसके अंडर ये काम करने वाले हैं। तो आगे का सब जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको देंगे। अभी ये जो ट्यूब OT में से मैडम ने हमको दी है फॉलिकुलर फ्लूइड की, ये हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। इसमें से जो अंडे है वो सेपरेट करके इस डिश में एक अलग तरह का मीडियम है, लिक्विड है, जिसमें हमको सेपरेट करने हैं।
अभी हमने इसमें वो अंडे निकाल लिए हैं। अभी ये प्लेट हम इंक्यूबेटर में रखेंगे कम से कम 2 घंटों के लिए। 2 घंटे के बाद ही हम आगे का प्रोसीजर इसके लिए स्टार्ट करेंगे। तब तक हम हस्बैंड का सीमेन सैंपल कलेक्ट करके उसका प्रोसेसिंग जो होता है उसमें से जो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म सेपरेट करने होते हैं वो प्रोसेस कर लेते हैं। अभी ये जो सीमेन सैंपल है हस्बैंड का, अभी हम ये प्रोसेसिंग के लिए लगा रहे हैं। जिससे कि स्पर्म्स सेपरेट हो जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स क्लीन होके बाहर आते हैं। अभी आप जो ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हस्बैंड का सीमेन सैंपल प्रोसेस किया हुआ है जिसमें से हमने मोटाइल स्पर्म्स सेपरेट करके इसमें से कुछ डेब्रिज वगैरह वो निकाल के 100% मोटाइल स्पर्म्स सेपरेट किए हैं। अभी ये स्पर्म हम यूज़ करके इसमें से अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स सिलेक्ट करके एक स्त्री बीज में एक स्पर्म यानी शुक्राणु को इंजेक्ट करेंगे। अभी हमने जो स्त्री बीज फॉलिकुलर फ्लूइड में से निकाल के रखे थे 2 घंटे इंक्यूबेटर में रखने के बाद, हम लोग अभी उनको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए एक विशेष एंजाइम यूज़ किया जाता है जिससे उसके आजू बाजू के सेल्स निकल के क्लीन अपने को ओसाइट्स मिलता है, स्त्री बीज मिलता है, जो आगे इक्सी के लिए हम लेंगे। अभी आप जो स्क्रीन पर ओसाइट्स देख रहे हैं ये क्लीन किए हुए हैं, जिनके आजू बाजू के सेल्स निकालने के बाद इनको हम अच्छे से देख सकते हैं, ये मैच्योर है या इमैच्योर है ये आसानी से देख सकते हैं। इनको हम 3 तरह से ग्रेडिंग करते हैं, एक होता है M2, एक होता है M1 और तीसरा होता है GV। M2 के हम एम्ब्रियो बना सकते हैं, M1 के एम्ब्रियो बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, GV के एम्ब्रियो ही नहीं बनते। अभी एक नॉर्मल स्वर्म को शुक्राणु को इमोबिलाइज करके इंजेक्शन पाइपेट में ले रहे हैं, जिसको हम एक स्त्री बीज में इंजेक्ट करेंगे जिसका आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा। स्क्रीन पर अभी आप ये स्त्री बीज देख रहे हो जिसको मैंने इंजेक्शन पाइपेट से होल्ड करके रखा है। ये एक M2 साइट है जिसके अंदर हम एक शुक्राणु इंजेक्ट करेंगे। इसमें इंजेक्शन पाइपेट में आप एक शुक्राणु देख रहे होंगे जिसको मैं अभी इस ओसाइट में एक स्त्री बीज में इंजेक्ट कर रहा हूँ। एक शुक्राणु इसमें छोड़ दिया है। अभी शुक्राणु को स्त्री बीज के अंदर इंजेक्ट करने के बाद, इक्सी करने के बाद, उन स्त्री बीजों को आगे की डेवलपमेंट के लिए एक न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें उन एम्ब्रियोज को आगे का न्यूट्रिशन मिलके उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। अभी इस कल्चर डिश को, कल्चर प्लेट को हम लोग इस इंक्यूबेटर में रखेंगे। ये बेंचटॉप इंक्यूबेटर है जिसका तापमान माँ के गर्भाशय जितना ही होता है। यहाँ पे हम लोग ये एम्ब्रियोज अभी 5 दिन के लिए रखेंगे। इनको तीसरे दिन एक बार देखना होता है और उसकी स्टेज देख के आगे वो 2 दिन और डेवलप करने के लिए रखना होता है, जिससे वो 5वें दिन ब्लास्टोसिस बन जाते हैं। अभी ये जो पूरी IVF की प्रोसीजर की है, इसमें आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट के टेक्निकल स्किल्स और एक्सपीरियंस आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए बहुत मैटर करते हैं, वो अच्छे होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी आपने जो देखा, इसमें जो एम्ब्रियोज रखे हैं वो 5वें दिन तक ब्लास्टोसिस्ट के लिए देखे जाएंगे। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद एक तो या एम्ब्रियो गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, यूटरस में छोड़ देना है गर्भाशय में, या फिर उनको स्टोर करके फ्रीज करके रखना है और आगे की साइकिल में उनको गर्भाशय में छोड़ने की प्रक्रिया करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।